गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर. ओपन द पेज नंबर 30. चैप्टर इज रोमन नंबर्स. फर्स्टली वी विल सी द वर्म पार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज, हैव यू एवर सीन अ क्लॉक लाइक अ क्लॉक ए. बोले कि क्या आपने कभी क्लॉक ए के जैसी क्लॉक देखी है. सेकेंड पॉइंट है, हाउ आवर दीज सिंबल्स डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स इन क्लॉक बी. और क्लॉक बी में क्या है, डिफरेंस नंबर है ना. क्लॉक ए में डिफरेंस है, यहाँ क्लॉक ए में क्या है, आपके रोमन नंबर्स हैं, ठीक है. और जो क्लॉक बी है उसमें आपके हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं. लास्ट पॉइंट है, कैन यू टेल द टाइम इन दिस क्लॉक. क्या आप टाइम बता सकते हैं इन क्लॉक में. वी हैव यूज द नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टू राइट एनी नंबर प्रीवियसली. हम 0 से 0 to 9 जो नंबर्स हैं उनका यूज़ करते हैं कोई भी नंबर राइट करने के लिए. दिस इज नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम. जिसे हम किसे जानते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर्स को, नंबर सिस्टम से, ठीक है. जो 0 to 9 नंबर्स होते हैं वो आपके हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं. इन रोमन नंबर सिस्टम वी यूज 7 लेटर फॉर द अल्फाबेट टू राइट ऑल द हिंदू अरेबिक नंबर्स. रोमन नंबर सिस्टम में हम 7 लेटर्स का यूज़ करते हैं. 7 लेटर्स जो अल्फ़ाबेट के होते हैं उन 7 लेटर्स का यूज़ करते हैं टू राइट ऑल द हिंदू अरेबिक नंबर्स. सारे जो हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं उन्हें राइट करने के लिए रोमन नंबर्स आपके I, V, X, L, C, D, M होते हैं, ठीक है. ये आपके 7 लेटर्स हैं जो इन रोमन नंबर्स में यूज होते हैं. I means 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500, M means 1000. ये नंबर्स आपके क्या है, हिंदू अरेबिक हैं. और ये लेटर्स जो आपके हैं ये आपके रोमन नंबर्स में हैं, ठीक है. नाउ सी, वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 लेटर्स टू मेक डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 39 बट सर्टेन रूल आर टू बी फॉलो. 1 से 39 तक के नंबर्स हम इन 7 लेटर्स को कंबाइंड करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है. बट सर्टेन रूल, जो रूल होता है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, ओके. फर्स्ट रूल है, आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड अप टू 3 times. I, X, C, M को हम 3 times रिपीट कर सकते हैं. The numbers so formed is their sum. जो numbers होते हैं हम उनका sum करते हैं, ठीक है. तो जो I है उसको हम 3 times रिपीट कर सकते हैं. X को भी 3 times रिपीट कर सकते हैं. C को भी, M को भी. 3 times से ज़्यादा आप इन्हें राइट नहीं कर सकते, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, I means 1 plus 1 plus 1, इनका क्या किया हमने, ऐड किया, तो इनका सम क्या आएगा, 3 आएगा. मींस I क्या होता है आपका, 3 होता है, क्लियर. XX क्या होता है, 10 plus 10, मींस XX आपका 20 होता है, ठीक है. रूल सेकेंड है, V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड. V, L और D कभी रिपीट नहीं होते हैं, वो केवल 1 time आते हैं. रूल थर्ड है आपका, व्हेन वी राइट अ स्मॉलर रोमन नंबर आफ्टर अ ग्रेटर नंबर देयर वैल्यूज आर एडेड. क्या बोल रहे हैं कि जब हम रोमन नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर के बाद राइट करते हैं तो देयर वैल्यू आर एडेड, तो उनकी जो वैल्यू होती है उसको क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है. जैसे क्या बोल रहे हैं कि स्मॉलर रोमन नंबर को हम ग्रेटेस्ट रोमन नंबर के बाद राइट करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है. तो आपका रोमन नंबर आई और वी है, ठीक है. तो वी आपका क्या है, ग्रेटर रोमन नंबर है. आई आपका स्मॉलर रोमन नंबर है. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. जब हम ग्रेटेस्ट रोमन नंबर के बाद स्मॉलर रोमन नंबर ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं. तो वी मीन्स 5 होता है, आई मीन्स 1 होता है, ठीक है. तो 5 plus 1 करेंगे 6 आ जाएगा, क्लियर. एक्स आई, एक्स मीन्स क्या होता है, 10, आई मीन्स 1 मीन्स 11.
कम टू पेज नंबर 31, एग्जाम्पल साइट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक्स एक्स आई आई है, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स मीन्स 10 होता है, अगेन 10, आई आई क्या होता है आपका 1 प्लस 1, 10 10 20, 1 1 2 हो, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 22 है रोमन नंबर्स में, क्लियर। रूल 4 है आपका, व्हेन वी राइट अ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर रोमन नंबर बिफोर अ ग्रेटर रोमन नंबर, जब हम स्मॉलर रोमन नंबर को ग्रेटेस्ट रोमन नंबर के पहले राइट करते हैं, देयर वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। जब हम स्मॉलर रोमन नंबर को ग्रेटेस्ट रोमन नंबर के पहले राइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वी, ठीक है। तो आई आपका क्या है, स्मॉलर नंबर है, वी आपका ग्रेटेस्ट रोमन नंबर है, ठीक है। तो हमने स्मॉलर नंबर को, स्मॉलर रोमन नंबर को क्या किया है, ग्रेटेस्ट रोमन नंबर के पहले राइट किया है। तो मींस क्या होगा, 5 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 1 4, तो ये आपका 4 है, क्लियर। रूल 5 है, अ स्मॉलर नंबर बिटवीन टू ग्रेटेस्ट नंबर, अगर स्मॉलर नंबर आपका टू ग्रेटेस्ट नंबर के बिटवीन में आता है, ठीक है, गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑन इट्स राइट, तो हम उसके राइट साइड में उसको माइनस करेंगे। रूल 5 क्लियर आपका, ये आपके क्या है, एक्स और वी, ठीक है। हम इसके बीच में आई कर दिए, तो एक्स और वी क्या है आपके, ग्रेटेस्ट रोमन नंबर है, ठीक है, और उसके बीच में स्मॉलेस्ट रोमन नंबर राइट कर दिया। तो हम इसके क्या करेंगे, राइट साइड के नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। x means 10 हुआ, v means 5, ठीक है। तो हमको राइट साइड वाले नंबर से माइनस करना है, तो राइट वाला नंबर आपका क्या है, 5 है, तो इस 1 को हम इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 5 में माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 प्लस वो 14, मीन्स ये आपका क्या है, 14 है, क्लियर आया समझ। रिमेंबर 4 इज नेवर रिटन एज, 4 को हम ऐसे 1 i i i 4 टाइम्स राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम में 0 का कोई सिंबल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर। Now see here, some Roman numbers with their corresponding Hindu Arabic numbers are given below. Hindu Arabic numbers भी right है और Roman numbers भी right है, ठीक है। 1 means I, 2 means II, 3 means II 3 times I, 4 means IV, 5 means V, 6 means VI, 7 means VII, 8 means VIII, 9 means IX, 10 means X, क्लियर। आप रोमन नंबर्स 1 से 20 तक क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 1 से 20 तक आपको रोमन नंबर्स राइट करने, लर्न करने हैं, आप इसे एक बार अपने से रिवाइज कर लीजिएगा।